गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब जरूर बताइएगा कमेंट में। और आज मैं कोई रेसिपी आप सब के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। एक्चुअली आज मिला नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कल ही आ गया था लेकिन मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। मैंने सोचा आप लोग के साथ ही ओपन करती हूँ, क्योंकि आते ये ऑलरेडी अनबॉक्सिंग हो चुका है कि मेरे हस्बैंड ने पहले खोल के देख लिया था उन्होंने, तो पर मैंने नहीं देखा था। मैंने बोला कि नहीं मुझे ब्लॉग बनाना है तो सबके साथ ही मैं खोलूँगी इसे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये वाला फ़ोन मिलेगा। तो चलिए मैं बिना देर किए सीधा फ़ोन दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सा फ़ोन मिला है मुझे। तो ये देखिए, तो ये रहा रियलमी X7 Max, इसका नाम। और इसका पैकेजिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सुंदर इसका पैकेजिंग है, पूरा सिल्वर कलर में है ये देखिए। तो इसके अंदर अभी तक मैंने खोल कर नहीं देखा ये इसके अंदर क्या है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए बिना देर किए, अच्छी तरह से फिर से बंद करके नहीं रखा था, तो ये पहले देख लेती इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर पेपर में रियलमी के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो ये तो हर फोन में मिलता है, तो इसे अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं, अभी इतना लंबा हो जाएगा इसे पढ़ने में। और ये क्या है पता नहीं, ये भी। और ये फ्लिप कवर थोड़ा सा ब्लैक टाइप में है ये कवर, ये दो दिन बाद तो ये इसका काम आएगा भी नहीं ऐसे। तो ये खाली है अभी, तो अभी से साइड कर देती हूँ मैं। और अभी आती हूँ यहाँ इस पर मेन, तो ये देखिए ना अच्छा फोन ये मुझे। एक मिनट आप लोग अभी खोल कर दिखाती हूँ। इसका कलर देखिए आप लोग, सिल्वर में है और दो टाइप का कलर है यहाँ पे, या थोड़ा पर या थोड़ा पर मैट टाइप का फिनिशिंग है, और ये पूरा सिल्वर में है। और इसका कैमरा देखिए आप, और ये सोनी का कैमरा है मुझे इतना पता है इसलिए बोल दे रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद आप, और मुझे सिर्फ इसका कैमरा मुझे इतना ही पता था कि इसका कैमरा अच्छा है बोल के सुनने में आया था, मतलब मेरा भाई लोग ने बताया था कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। और मुझे यूट्यूब के लिए कैमरा अच्छा चाहिए था, क्योंकि मेरा ये फ़ोन अभी बेकार हो चुका है, तो मुझे अभी इसके लिए नया फ़ोन चाहिए था, तो हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिया ये इतना अच्छा वाला फ़ोन। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ही इसे ऑन करके देखती हूँ इसका कैमरा किस तरह से, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे, बस इसका बहुत लाइट वेट है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसका कलर, इसका फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो चलिए बिना देर के इसका कैमरा देखती हूँ मैं, मुझे और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है इसके मोबाइल के बारे में। यहाँ देखिए डुअल कैमरा का ऑप्शन पहले से निकला हुआ है। ओ ये मेरे हस्बैंड ने देख कर रख दिया था उन्होंने इस तरह से, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ड्यूअल कैमरा का ऑप्शन भी है, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाला सुन के। और मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट भी हो रहा था कि मैं कब इसे खोलूँगी, कब इसको देखूँगी, तब फाइनली अभी देख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और सच बता रही हूँ आप लोग का यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि लाइट बहुत आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग इसी फ़ोन से आप लोग को ब्लॉग मिलेगा। और इसका क्लियर बहुत ही अच्छा क्लियर है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और मैं आपको अभी एक मिनट, एक तो ये नॉर्मल फोटो, ये नॉर्मल फ़ोटो है, और ये फ्रंट कैमरा है, तो ये भी क्लियर ही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और इसमें साउंड भी बहुत अच्छा आता है, इन्होंने बताया था साउंड भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा लाउड है इसका साउंड भी,
मुझे मोबाइल में बस मोबाइल में कैमरा अच्छा होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, और क्लियरिटी बहुत मायने रखता है मेरे लिए, हर किसी लड़की के लिए मायने रखता है, क्योंकि हम लोग को फ़ोटो वोटो उठाना रहता है तो खींचना रहता है। तो इससे अच्छा फ़ोन और क्या हो सकता है अगर आप लोगों को, आपको कोई इतना अच्छा फ़ोन गिफ्ट करे। तो बिना देर किए मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस लिखा हुआ है 30 पर, हम लोगों ने कितना दिया था 2000, भूल गई। और ये 65 वॉट का ये सुपर चार्जर है, ये देख सकते हैं आप लोग। और फ़ोन जो है 50 वॉट का ही लेता है। तो इसका प्राइस था 29,500 दिया था, बस 500 इन्होंने कम किया था, क्योंकि इनका पहचान का दुकान था इसलिए, शॉप था इसलिए उन्होंने 500 ही कम किया था। तो यही है इसका प्राइस। तो मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों के साथ जो मुझे पता था। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये गिफ्ट। तो आज के लिए इतना ही, बिना देर किए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये फ़ोन। तो चलिए बिना देर किए, बाय बाय।